नए नए पब्लिसिटी स्टंट और लोगों के बीच कंट्रोवर्सी क्रिएट कर फिल्म के लिए बस क्रिएट करना और फिल्म को हिट कराना मानो आम बात हो चुकी है। ऐसे ही एक बार फिर से फिल्म मेकर लीना मणिक्लेई की काली डॉक्यूमेंट्री काफी चर्चे में है, जिस पर हिंदू धर्म की भावनाओं को आहट करने का इल्जाम लगा है। इसमें मां काली को सिगरेट पीता और आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश भर चुका है। ये कोई पहली फिल्म नहीं है जिसमें हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया, बल्कि इससे पहले भी कई फिल्में और वेब सीरीज जिसमें पीके, एबीसीडी, लूडो, पताल लोक, लीला, सेक्रेट गेम जैसे कई बड़े नाम शामिल है। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? केवल एक सिंगल कम्युनिटी को लेकर हमेशा टारगेट करना वाकई शर्मसार है। इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद छिड़ गया है। एक यूजर ने कमेंट किया, इसे तुरंत हटाएं और माफी मांगे, यह विशुद्ध रूप से माँ काली का अपमान है। तो वहीं दूसरी तरफ दूसरे यूजर ने कमेंट किया, शर्मनाक और निंदनीय, आप जैसे बीमार लोगों के कारण हम गैर कानूनी होने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप हमारी देवी को इस तरह कैसे चित्रित कर सकते हैं? वह सर्वोच्च शक्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं। मैं सुप्रीम काली से प्रार्थना करता हूँ कि करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाने के लिए आपका विनाश कर दे। लोगों का इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इससे ईश निंदा का मामला बताकर लीना को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग उठने लगी है।